नमस्कार। ओम पुष्प क्लासेस अ कंपटीशन वेंचर फॉर द साइंस कॉमर्स एकेडमी धर्मशाला में आप सबका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि प्रदेश सरकार विभिन्न प्रकार की वैकेंसीज पे कार्य कर रही है, जैसे कि एचपी पुलिस, पटवारी, बैंकिंग और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पे काम कर रही है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम योद्धा बैच लेके आए हैं और हमने ये योद्धा बैच हमारा रनिंग में है और हमने इसमें पहले हमने नाउन पढ़ा था, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा सेंटेंस। सेंटेंस जैसे हम बात करते हैं तो सेंटेंस क्या है? सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं अक्षरों का समूह। ठीक है, हम कोई भी बात कर रहे हैं, क्वेश्चन फॉर्म में हम बात कर रहे हैं या फिर हम कोई एक सिंपल सी बात कर रहे हैं, उस सबको हम बोलेंगे सेंटेंस। तो मीनिंग ऑफ सेंटेंस क्या होता है? अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रुप ऑफ वर्ड्स मतलब जब वर्ड्स को हम इकट्ठा किसी क्रम में लिखेंगे, ठीक है, विच कन्वेज अ कंप्लीट सेंस, जो कि एक प्रॉपर सेंस हमें बताएगा, उसको हम कहेंगे सेंटेंस। द वर्ड्स आर अरेंज्ड इन अ सिस्टमैटिक ऑर्डर इन द सेंटेंस। अब यहाँ पे जो वर्ड्स हैं ये एक प्रॉपर ऑर्डर में सेंटेंस में लिखे जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कम हेयर। कम हेयर का क्या मतलब है? कि इधर आओ। ठीक है, शी वॉज राइटिंग, वो लिख रही थी। अगर हम इसको जम्बल्ड करके लिखें, राइटिंग वॉज शी, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो जब कोई भी एक प्रॉपर चीज एक प्रॉपर फॉर्मूला में लिखी जाए, जैसे शी वॉज राइटिंग, तो उसको हम बोलेंगे सेंटेंस, क्योंकि एक प्रॉपर क्रम में चल रहा है, उसकी एक प्रॉपर वे है उसका लिखने का, तो उसको हम लिखेंगे सेंटेंस। ठीक है, इसमें अब जैसे शी वॉज राइटिंग में शी इज अ सब्जेक्ट, वॉज आ जाएगा वर्ब और राइटिंग आ जाएगा प्रेडिकेट। ठीक है, तो ये आ गया सेंटेंस। अब बच्चों आपको समझ आ गया सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस बेसिकली इज अ ग्रुप ऑफ द वर्ड्स, मतलब कि शब्दों का समूह, उसको हम बोलेंगे सेंटेंस। जो कि एक हमें पर्टिकुलर कंप्लीट सेंस हमें बताए, उसको हम बोलेंगे सेंटेंस। द वर्ड्स आर अरेंज्ड इन अ सिस्टमेटिक ऑर्डर इन द सेंटेंस। और इसमें जो भी वर्ड्स हैं एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, पर्टिकुलर चेन में हम उसको रखेंगे, उन वर्ड्स को, तो वो एक सेंटेंस बनेगा। अब बात करते हैं पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। अब देखो बच्चों, आपको पेपर में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आइडेंटिफाई करने के लिए आ सकते हैं। जैसे आपको एक सेंटेंस लिखा होगा, जैसे हम यही सेंटेंस लेते हैं, शी वॉज राइटिंग, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट, जैसे आपको बोल सकते हैं कि सब्जेक्ट बताओ इस सेंटेंस में, तो शी इज द सब्जेक्ट। ठीक है, अगर बोलेंगे प्रेडिकेट क्या है, तो वॉज राइटिंग इज द प्रेडिकेट। सब्जेक्ट मतलब कर्ता जिसके बारे में बात हो रही है, और प्रेडिकेट मतलब जो बात हो रही है, उसको हम बोलेंगे वॉज राइटिंग। जैसे इसमें आ जाएगा शी वॉज राइटिंग में, वॉज राइटिंग इज द प्रेडिकेट, मतलब जो सब्जेक्ट के बाद जो भी लाइन, मतलब जो भी जो चीज बचेगी, उसको हम प्रेडिकेट बोलेंगे। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस बच्चों हमने क्या पढ़ा? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सेंटेंस को हम दो मेन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट, अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट की। जैसे कि मैंने बात की, सब्जेक्ट को हम हिंदी में बोलते हैं कर्ता, जिसके बारे में बात हो रही है, उसको हम बोलेंगे सब्जेक्ट। द थिंग विच इज टू बी डिस्कस्ड, वो चीज जिसके बारे में हमने डिस्कस करना है, बात करनी है, किसी चीज के बारे में बात हो रही है, या फिर हमने उसको माइंड में कंसिडर करके रखना है या स्टडी करना है, उस सबको हम सब्जेक्ट बोलेंगे, उस चीज को हम बोलेंगे सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, वी कुक्ड, हमने खाना बनाया, तो इसमें वी आ जाएगा सब्जेक्ट। इसमें वी मतलब हम, जैसे या फिर मैं बोलूंगी राम कुक्ड अ मील, तो राम आ जाएगा सब्जेक्ट, कुक्ड आ जाएगा, कुक्ड अ मील आ जाएगा प्रेडिकेट। ठीक है, तो राम की बात हो रही है, या फिर मैं बोलूंगी श्याम इज अ गुड बॉय, तो इसमें श्याम आ गया सब्जेक्ट, क्योंकि श्याम जो है वो करता है, उसके बारे में बात हो रही है, और इज अ गुड बॉय वो आ जाएगा प्रेडिकेट। ठीक है, अब देखो, अब हमें पेपर में ऐसे आ सकता है कि इसमें सब्जेक्ट बताओ, प्रेडिकेट बताओ, फिर अब या फिर सिंपल ऐसे भी आ सकता है कि श्याम इज अ गुड बॉय, तो इसमें प्रेडिकेट कौन सा है? इज अ गुड बॉय वो आ जाएगा प्रेडिकेट। ठीक है, आइडेंटिफाई द प्रेडिकेट फिलअप्स फॉर्म में भी आ सकता है, या फिर इसको मार्क, इसमें बोलेंगे कि मार्क करके बताओ कि प्रेडिकेट कहाँ पे है सेंटेंस में। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रेडिकेट की। सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब सेकेंड पार्ट है प्रेडिकेट। द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विच टेल्स दैट द व्हाट द सब्जेक्ट डज। इसमें प्रेडिकेट का मतलब होता है वो पार्ट सेंटेंस का जो कि सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है, मतलब कर्ता क्या काम कर रहा है, इज टर्म्ड एज प्रेडिकेट, उसको हम बोलेंगे प्रेडिकेट। एग्जाम्पल के तौर पे, द मैन वॉज वेरी ओल्ड, आदमी बहुत बूढ़ा था, तो द मैन आ गया सब्जेक्ट, इसके बारे में बात हो रही है, वॉज वेरी ओल्ड आ गया प्रेडिकेट।
प्रेडिकेट, इसकी हमने बात की। ये बता रहा है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, वॉज वेरी ओल्ड, मोहन इज गोइंग टू दिल्ली। मोहन क्या कर रहा है, दिल्ली में जा रहा है, तो मोहन आ गया सब्जेक्ट। ठीक है, इसके बारे में बात हो रही है तो वो आ जाएगा सब्जेक्ट, वो करता आया। ठीक है, ही वॉज इन द ऑफिस, अब सब्जेक्ट इसमें आ जाएगा ही इज द सब्जेक्ट, वॉज इन द ऑफिस आ जाएगा प्रेडिकेट। या फिर मैं बोलूंगी शी इज डांसिंग ऑन द स्टेज, तो इसमें बच्चों शी जो आ गया वो उसको हम बोलेंगे सब्जेक्ट, क्योंकि शी के बारे में बात हो रही है। वो शी कोई भी हो सकती है, कोई भी गर्ल हो सकती है वो। ठीक है, इज गोइंग ऑन द स्टेज, इज डांसिंग ऑन द स्टेज, या फिर शी इज गोइंग ऑन द स्टेज। ठीक है, ऐसे करके कुछ भी सेंटेंस बन सकता है, तो उसको हम बोलेंगे प्रेडिकेट। ठीक है, तो इसमें हमने क्या डिस्कस किया कि सेंटेंस को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे दो पार्ट्स में डिवाइड होता है सेंटेंस, एक आ जाता है सब्जेक्ट और नेक्स्ट आ जाता है प्रेडिकेट। ठीक है, आई होप कि आपको यहां तक बच्चों समझ आया। अब चलो आगे समझते हैं कि अब हम बात करते हैं कॉम्पोनेंट्स ऑफ सेंटेंस की। अब जैसे मैंने पिछले सेंटेंस में बात की थी कि शी इज गोइंग टू द मार्केट, इसमें अब जैसे मोहन ही इज टर्म्ड एज अ सब्जेक्ट, उसमें हमने जो भी वॉज वेरी ओल्ड, ठीक है, ही इज वेरी ओल्ड, या फिर ही इज गोइंग टू दिल्ली, वॉज इन द ऑफिस, ठीक है, श्याम इज गोइंग टू ऑफिस, या श्याम वॉज इन द ऑफिस, ऐसे करके जो भी सेंटेंसेस है उसमें इन सबको हम बोलेंगे प्रेडिकेट। अब आते हैं कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ सेंटेंस। अब बच्चों देखो, आपको पेपर में पूछा जा सकता है कि कॉम्पोनेंट्स कितने हैं सेंटेंस के। ठीक है, फाइव कॉम्पोनेंट्स हैं सेंटेंस के, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट एंड एडजेक्ट। एडजेक्ट को हम लोग एडवर्ब भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो पार्ट्स, जो सेंटेंस जो बनता है वो पांच पांच मतलब पांच उसमें चीजें होती हैं। ठीक है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब कर्ता, जैसे मैंने बात की कि सब्जेक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो आ जाएगा सब्जेक्ट। ठीक है, वर्ब, वर्ब मतलब वो क्या काम कर रहा है, जैसे शी रन्स, तो इसमें रन्स जो आ जाएगा वो आ जाएगा वर्ब। ठीक है, क्योंकि वो काम कर रहा है। जैसे मैं लिखूंगी आई एम टीचिंग यू, आई एम टीचिंग यू, तो टीचिंग आ गया वर्ब, क्योंकि वो काम कर रहा है। ठीक है, एक्शन, वर्ब बेसिकली डिनोट करता है एक्शन की काम क्या हो रहा है। ठीक है, उसको हम बोलेंगे वर्ब। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं रिसीवर ऑफ द एक्शन। ठीक है बच्चों, ऑब्जेक्ट को कहा जाता है रिसीवर ऑफ द एक्शन की, मतलब वो एक्शन को रिसीव कर रहा है। उसी तरह सब्जेक्ट को बोलते हैं डूअर, डूअर भी बोलते हैं हम सब्जेक्ट को। ठीक है, डूअर ऑफ द एक्शन, एंड ऑब्जेक्ट इज टर्म्ड एज द रिसीवर ऑफ द एक्शन। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल शी इज गोइंग टू दिल्ली, तो इसमें सब्जेक्ट आ गया शी और दिल्ली आ गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, गोइंग आ गया वर्ब, क्योंकि वो जा रही है ना, वो चल चल के जा रही है, बाय बस जा रही है, जैसे भी जा रही है, तो वो आ जाएगा वर्ब। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम कॉम्प्लीमेंट। अब देखो कॉम्प्लीमेंट का वैसे इन जनरल टर्म्स में बात करूं तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जैसे हम किसी को कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, वो कॉम्प्लीमेंट अच्छा भी हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट कुड बी गुड और बैड। जैसे मैं बोलूंगी यू आर ए टीचर, ठीक है, तो ये आ गया कॉम्प्लीमेंट, टीचर आ गया कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, मतलब तुम क्या हो, टीचर हो। या फिर मैं बोलूंगी यू आर अ फूल, तुम बेवकूफ हो, तो ये बैड कॉम्प्लीमेंट आ गया, बट है तो ये कॉम्प्लीमेंट ना। ठीक है, तो हम जैसे रोज एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट देते हैं, जैसे शी इज लुकिंग ब्यूटीफुल, कि आज तुम स्मार्ट लग रहे हो। ठीक है, स्मार्ट, ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, ये सारे आ जाएंगे कॉम्प्लीमेंट, इन सबको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट। एडजेंट, एडवर्ब, एडजेंट या फिर एडवर्ब मतलब वो एडवर्ब बेसिकली हम किसको बोलते हैं, जो कि वो वाले वर्ड्स, जैसे वर्ब में और हम मीनिंग ऐड करेंगे। जैसे मैं बोलूंगी शी इज रनिंग फास्ट, ठीक है, तो जैसे रनिंग फास्ट, वो कैसे दौड़ रहा है, फास्ट दौड़ रहा है, तो इसमें एडवर्ब आ जाएगा फास्ट। रनिंग सबको पता है कि ये एक काम है, क्रिया है, तो रनिंग आ गया वर्ब और एडवर्ब आ गया फास्ट। शी इज राइटिंग स्लोली, ठीक है, अब हम बात करेंगे राइटिंग स्लोली। ठीक है, तो राइटिंग क्या आ जाएगा, राइटिंग इज अ वर्ब, और स्लोली क्या आ जाएगा, एडवर्ब। लिख तो रही है मगर वो धीरे धीरे लिख रही है। ठीक है, कोई काम हो रहा है, मतलब कि वो किस टाइप से काम कर रही है। जैसे मैं बोलूंगी द फैन इज रोटेटिंग फास्ट, जो फैन है वो जल्दी जल्दी जो है वो घूम रहा है। ठीक है, रोटेटिंग फास्ट, तो इसमें रोटेटिंग जो आ गया वो आ जाएगा वर्ब और फास्ट आ जाएगा एडवर्ब। ठीक है, तो बच्चों इसमें हमने क्या पढ़ा, कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ सेंटेंस। तो सेंटेंस के कॉम्पोनेंट्स जो होते हैं वो फाइव टाइप्स के होते हैं। एक आ जाता है सब्जेक्ट, दूसरा वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट,
कॉम्प्लीमेंट एंड एडवर्ब। अब आपको इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है कि आपको कोई सेंटेंस दिया है तो इसमें एडवर्ब बताओ कहाँ पे है, या फिर कॉम्प्लीमेंट कहाँ पे है, या फिर ऑब्जेक्ट किधर है। ठीक है, तो इस टाइप का आई होप कि आपको यहाँ तक सब समझ आ गया। अब चलो बच्चों आगे चलते हैं हम सब्जेक्ट्स। ठीक है, अब हम इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। हमने पीछे पार्ट्स पढ़े थे, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ अ सेंटेंस। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा सब्जेक्ट, जैसे कि मैंने बताया सब्जेक्ट मतलब कर्ता। ठीक है, तो वो आ जाएगा द डूअर ऑफ द एक्शन, वो कोई भी एक्शन कर रहा है, सब्जेक्ट कोई भी एक्शन कर रहा है, जैसे शी इज स्लीपिंग। ठीक है, तो वो जैसे सो रही है तो वो भी एक्शन आ गया, शी वो सो रही है तो शी आ गई सब्जेक्ट। ठीक है, वो जो जिसके बारे में बात हो रही है दैट इज कॉल्ड एज अ सब्जेक्ट। ठीक है, वो सो रही है, वो खाना खा रही है, तो ये सारा आ गया, वो खाना खा रही है। तो वो इसमें जैसे अगर हम हिंदी में बात करेंगे तो ये आ जाएगा सब्जेक्ट कर्ता, जो वो काम कर रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है वर्ब। वर्ब मतलब एक्शन, एक्शन जो भी हम मतलब देख सकते हैं सुन सकते हैं वो सारा एक्शन आ गया। एग्जाम्पल डांसिंग, डांसिंग कोई इंसान जैसे डांस कर रहा है। ठीक है, जैसे मैं बोलूंगी राम इज डांसिंग ऑन द स्टेज, या फिर राम इज डांसिंग, तो फिर इसको आप एक्शन को देख सकते हो, वो डांस कोई भी अगर इंसान डांस कर रहा है तो उसको आप देख सकते हो, तो दैट इज कॉल्ड एन एक्शन। राइटिंग, जिसमें मैं बोलूंगी जैसे शी इज राइटिंग अ लेटर। ठीक है, तो इसमें राइटिंग जो आएगा उसको हम बोलेंगे वर्ब, क्योंकि लिखना वो पेन पकड़ के लिख रहा है तो ठीक है वो एक वर्ब आया है, वो मतलब उसके बेसिकली उसके हैंड्स वगैरह चल रहे हैं तो वो एक तरह का एक्शन आया। ठीक है, राइटिंग, सिंगिंग, सिंगिंग मतलब गाना गा रहे, जैसे आ जाएगा कि फॉर एग्जाम्पल नेहा इज सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है, सिंगिंग अ सॉन्ग, तो ये नेहा जो नेहा इज सिंगिंग अ, तो इज सिंगिंग अ सॉन्ग, तो सिंगिंग जो आ जाएगा उसको हम बोलेंगे वर्ब। ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स मतलब रिसीवर ऑफ द एक्शन, जिसके ऊपर एक्शन हुआ है। ठीक है, उसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट्स। फिर आता है नेक्स्ट, बोलते हैं हम कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, फ्रेज एंड मॉडिफाइज द सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस। ठीक है, सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट को जो चीज मॉडिफाई करती है उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ द, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, जैसे मैं बोलूंगी शी इज अ फूल। ठीक है, शी इज अ फूल, तो फूल आ गया कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय। ठीक है, अगर मैं बात करूंगी ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, तो वो क्या है, एक इंटेलिजेंट लड़का है, तो वो एक उसके लिए कॉम्प्लीमेंट आ गया। ठीक है, जैसे मैं बोलूंगी यू आर लुकिंग स्मार्ट टूडे। ठीक है, यू आर लुकिंग स्मार्ट, यू आर लुकिंग स्मार्ट। ठीक है, तो स्मार्ट इज ऑल्सो कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, एडजेंट, एडजेंट मतलब एडवर्ब विच गिव्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द वर्ब इन द सेंटेंस, वो एडजेंट हम उसको बोलेंगे जिसमें मोर इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है वर्ब की सेंटेंस में। जैसे मैं बोलूंगी शी इज राइटिंग स्लोली, वो कैसे लिख रही है, स्लोली, तो ये आ जाएगा एडवर्ब, राइटिंग आ जाएगा वर्ब। ठीक है, लिख कैसे रही है, स्लोली, वो उसका मैनर बता रहा है एक तरह से। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूंगी ही इज ड्राइविंग फास्ट, फास्ट, ठीक है, तो ये ड्राइविंग आ जाएगा वर्ब और फास्ट आ जाएगा एडवर्ब। ठीक है, तो इसी तरह से हम इसको एडवर्ब बोलते हैं। ठीक है, अब एडवर्ब में ये चीज याद रखनी कि प्रेपोजिशन में एडवर्ब यूज हो जाता है। ठीक है, या फिर नाउन्स, और इसमें एक्सेप्शंस हैं कि नाउन्स, प्रोनाउन्स एंड इंटरजेक्शन में एडवर्ब जो है वो यूज नहीं होगा। ठीक है, जैसे हम बोलेंगे हुर्रे वी हैव वन द मैच, हुर्रे वी हैव वन द मैच, तो इसमें एडवर्ब नहीं लग सकता, वेरी हुर्रे वगैरह कुछ नहीं लग सकता, क्योंकि ये हुर्रे जो है वो खुद एक फीलिंग डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, या फिर मैं बोलूंगी अलास ही इज डेड, तो अलास जो है वो एक जनरेट कर रहा है, वो एक फीलिंग। ठीक है, इसमें वेरी अलास या फिर ऐसे करके कुछ मतलब एक एडवर्ब यूज नहीं हो सकता। ठीक है, तो आई होप कि आपको यहाँ तक सबको, बच्चों को आप सबको क्लियर होगा कि सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं, और ये किसी भी तरह से क्वेश्चन जो है यहाँ पे फ्रेम होके आ सकता है। चलो अब आगे हम चलते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की। अभी मैंने पहले बात की कि सेंटेंसेस कितने टाइप्स का होता है, सॉरी
कि सेंटेंस को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि आ जाएगा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में, ठीक है, दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, एक आ जाता है सब्जेक्ट, दूसरा आ जाता है प्रेडिकेट। फिर मैंने बात की कॉम्पोनेंट्स ऑफ द सेंटेंस, अब मैं बात करती हूँ टाइप्स ऑफ द सेंटेंसेस, मतलब कि सेंटेंसेस कितने टाइप्स के होते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या है। अब हम सेंटेंसेस को दो फॉर्म्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक आता है स्ट्रक्चर फॉर्म में और दूसरा आता है उसके मीनिंग फॉर्म में, ठीक है। एक आ जाएगा स्ट्रक्चर फॉर्म में, जैसे सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। सिंपल सेंटेंस मतलब जिसमें एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, उसको हम बोलेंगे सिंपल सेंटेंस। जैसे मैं बोलूंगी राम ईट्स एप्पल, ठीक है, या फिर एप्पल इज रेड, तो इसमें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट एक सिंपल सी एक चीज आ जाएगी इसमें, ठीक है। राम ईट्स एप्पल, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, वो एप्पल खा रहा है, ठीक है। तो ये सारा आ जाएगा सिंपल सेंटेंस, जिसमें कोई कंजंक्शन वगैरह यूज नहीं होगा, एंड वगैरह यूज नहीं हो रहा, ठीक है, एक्सक्लेमेशन कोई उसमें यूज नहीं हो रही सिंपल सेंटेंस में, या फिर क्वेश्चन मार्क यूज नहीं हो रहा, ठीक है। तो सिंपल सेंटेंस इस टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है। अब यहाँ से पेपर में क्वेश्चन एमसीक्यू आ सकते हैं कि सिंपल सेंटेंस मतलब आपको सेंटेंस दिया होगा, ठीक है, जैसे राम ईट्स एप्पल और ब्रैकेट में लिखा होगा कि बताओ ये इंटेरोगेटिव है, असर्टिव है, असर्टिव को भी हम सिंपल सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है, कंपाउंड सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स है, या फिर इंटेरोगेटिव है, ठीक है, इस टाइप का आपको क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस की। कंपाउंड मतलब दो चीजों के, जैसे 1 + 2 = 3, ठीक है, जैसे कंपाउंड मतलब कोई दो चीजों को हम जोड़ के कोई एक चीज बनती है, उसको हम बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस। आपने जैसे साइंस में आपने रिएक्शंस पढ़े होंगे, जैसे कंपाउंड रिएक्शंस वगैरह, ठीक है, तो वो उसी तरह से कंपाउंड सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है। तो दो चीजों को जोड़ के जो सेंटेंस बनता है उसको बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंस। अब इन कंपाउंड सेंटेंसेस में एंड लगता है, बट लगता है, ठीक है, फिर आता है थर्ड, आता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और ये जो सेंटेंसेस होते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस, दे आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, कंपाउंड सेंटेंसेस दे आर इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होंगे, ठीक है, वो अपना अपना काम करते रहेंगे, एक का मतलब इफेक्ट दूसरे के ऊपर नहीं पड़ेगा। जैसे मैं बोलूंगी फॉर एग्जाम्पल राम इज गोइंग टू डेली, राम इज गोइंग टू डेली एंड श्याम इज गोइंग टू गोवा, ठीक है, तो मतलब राम दिल्ली में जा रहा है और श्याम जो जा रहा है वो जा रहा है गोवा में, तो ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। राम का मतलब मन कर रहा है दिल्ली जाने का और श्याम का गोवा जाने का मन कर रहा है, तो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो दोनों अपनी अपनी डेस्टिनेशन में जाएंगे आराम से, ठीक है। इनको हम बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस। अब नेक्स्ट आता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, ठीक है। अब इस तरह का आपको जैसे मान लो सेंटेंस आ जाएगा और बोलेंगे कि ये कौन सा सेंटेंस है, ठीक है, अलग अलग सेंटेंसेस लिखे होंगे, तो आप लिखोगे कि ये है कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है, पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। फिर आता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। अब कॉम्प्लेक्स का मतलब ये जो सेंटेंसेस है ये बिल्कुल ऑपोजिट चलेंगे, ये इसमें ये डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, दीज सेंटेंसेस दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, ठीक है, ये डिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे के ऊपर इफ, इसमें इफ यूज हो जाएगा, ठीक है। अब यही सेम सेंटेंस ले लेते हैं हम, ठीक है, राम इज गोइंग टू दिल्ली इफ श्याम इज गोइंग टू गोवा, ठीक है, अगर राम दिल्ली में जाएगा तो श्याम गोवा में जाएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, ठीक है। अब हम बच्चों बात करते हैं सिंपल सेंटेंसेस की, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे बता दिया कि सेंटेंसेस कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, अब हम बात करते हैं सिंपल सेंटेंसेस की। तो सिंपल सेंटेंस मतलब जो एक सिंपल सा सेंटेंस होगा जिसमें सिर्फ एक वर्ब होगा, जैसे मैंने पीछे समझाया वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जैसे द सन सेट्स इन द वेस्ट, ये सिंपल सा सेंटेंस है, ठीक है, जो सन है वो वेस्ट में सेट होता है, या फिर द सन राइजेस इन द ईस्ट, ठीक है, तो द सन आ जाएगा, उसको हम बोलेंगे सब्जेक्ट, सेट्स मतलब वर्ब, क्योंकि वो उसकी क्रिया बता रहा है ना कि वो यहाँ पे डूबता है, द सन सेट्स इन द वेस्ट, तो वेस्ट आ गया ऑब्जेक्ट, ठीक है, एप्पल इज रेड, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये भी एक सिंपल तरह का सेंटेंस आ गया। फॉर एग्जाम्पल एप्पल इज रेड, सो वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट। अब देखो इसमें हम ये भी बोल सकते हैं कि इसमें एक सब्जेक्ट है और एक प्रेडिकेट है, ये पूरा जो इसका पार्ट बन गया द सन सेट्स इन द वेस्ट, तो द सन इज अ सब्जेक्ट और इसके बारे में बात हो रही है, तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं ये प्रेडिकेट है, ठीक है। एप्पल इज रेड, तो एप्पल आ गया सब्जेक्ट और इज रेड आ जाएगा प्रेडिकेट,
ठीक है। तो सिंपल सेंटेंसेस आपको ऐसे भी आ सकता है, जैसे ये किसी भी टाइप का सेंटेंस आ सकता है, जैसे राम स्लीप्स ऑन द फ्लोर, ठीक है, ये राम जो है वो फ्लोर में सो रहा है, ठीक है, तो ये भी एक तरह का सिंपल सेंटेंस आ गया। जैसे शी कुक्स फूड, ठीक है, शी कुक्स फूड, वो क्या कर रही है, खाना बना रही है, ठीक है, तो ये भी एक तरह का सिंपल सेंटेंस आ गया। आई होप कि अब आपको बच्चों सिंपल सेंटेंस क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस की। जैसे कंपाउंड मतलब दो चीजों को जोड़ के एक सेंटेंस बनाएंगे, उसको हम बोलेंगे कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है। अ कंपाउंड सेंटेंस आर द वन विच आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। हाँ, और ये जो सेंटेंसेस है ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होते, वो अपना अपना काम करेंगे, उनको एक दूसरे से मतलब एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है, वो अपना अपना काम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एंड एंड बट, ठीक है, राम इज गोइंग टू दिल्ली एंड श्याम इज गोइंग टू गोवा, मतलब राम जो है वो दिल्ली में जा रहा है और श्याम जा रहा है गोवा में, तो मतलब वो अपना अपना कार्य कर रहे हैं, तो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। आई गॉट वेरी एंग्री बट माई फ्रेंड डिड नॉट से अ वर्ड इन रिटेलिएशन, मतलब उसने कोई आगे से जवाब नहीं दिया, ठीक है। आई गॉट वेरी एंग्री, मुझे बहुत गुस्सा आया, ठीक है, आई गॉट वेरी एंग्री, ठीक है, मुझे बहुत गुस्सा आया, मगर मेरे फ्रेंड ने कोई आगे से जवाब नहीं दिया, उसने आगे से कोई जवाब नहीं दिया तो मतलब उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, बेशक मुझे गुस्सा आए ना आए उसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है, तो यही आ जाएगा बट, मतलब दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। तो इसमें हमने याद रखना है कि ये जो सेंटेंसेस हैं ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते, ये अपना अपना काम करते हैं और ये सेंटेंसेस आराम से फ्रेम हो जाते हैं, एक का इफेक्ट दूसरे के ऊपर नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस दे आर दी सेंटेंसेस आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। पिछले सेंटेंसेस में वो क्या थे, डिपेंडेंट थे एक दूसरे के ऊपर, अब ये जो है वो डिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। राम इज गोइंग टू दिल्ली इफ श्याम इज गोइंग टू इटली, ठीक है, ये जो है वो डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। जैसे राम इज गोइंग टू दिल्ली, अगर राम दिल्ली में जाएगा तो श्याम जो है वो इटली में जाएगा, ठीक है, ये इसमें मान लो कंडीशन है। जैसे अगर आपके पास जैसे हम बात करेंगे, इफ यू हैव मतलब अगर आपके पास मिल्क होगा तब चाय बनेगी, मतलब एक तरह के कॉम्प्लीमेंट करते हैं वो, या फिर हम बोल सकते हैं एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। यू विल पास इफ यू विल स्टडी, ऑब्वियसली अगर आप पास तभी हो गया अगर तुम पढ़ाई करोगे, ठीक है, तो ये डिपेंडेंट है, बिना पढ़े तुम पास नहीं हो सकते, ठीक है। यू विल पास इफ यू विल स्टडी, तो ये आ जाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, मतलब एक दूसरे के ऊपर ये डिपेंडेंट है। तो आपको पेपर में क्वेश्चन आ सकता है जैसे राम इज गोइंग टू दिल्ली श्याम इज गोइंग टू इटली, तो ये किस टाइप का सेंटेंस है, जैसे असर्टिव सेंटेंस लिखा होगा, वेरियस टाइप ऑफ सेंटेंसेस दिए होंगे, तो इसमें आपने ऑप्शन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का करेक्ट करना है।